जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में अचानक रात के समय आग लग गई। आग लगने के कारण देवी देवताओं के टेंट जल गए और 5 दुकानें भी जलकर राख हो गई। वहीं इस आग की चपेट में 2 लोग भी आ गए, जिनका अब ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अचानक रात के समय लगी इस आग से पूरे मेला मैदान में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, वरना दशहरा उत्सव में लगे अन्य दुकानों व देवताओं के टेंट को भी नुकसान हो सकता था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार यह आग करीब रात 2 बजे लगी, जब देवी देवताओं के साथ आए लोग अपने अपने टेंट में सो रहे थे। अचानक आग लगने से वह अपने अपने टेंट से बाहर निकल आए और सामान को भी बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में ही कई टेंट जलकर राख हो गए। इसके साथ डीसी कार्यालय के सामने वाले मैदान में लगी 5 दुकानें भी जलकर राख हो गई। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी भी रात को ही मौके पर पहुंचे और सभी लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग पर काबू पाने के प्रयास के चक्कर में 2 लोग झुलस गए और उन्हें ढालपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि इस आगजनी की घटना में करीब 8 टेंट्स को नुकसान पहुंचा है और कई दुकानें राख हो गई है। अब आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं घायल लोगों का ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जिन देवी देवताओं के टेंट को नुकसान पहुंचा है, उन्हें प्रशासन की ओर से टेंट मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि दशहरा उत्सव में देवी देवताओं के साथ आए लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जो दशहरा ग्राउंड का एरिया है, उसमें ये अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट हुआ है और अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि किस कारण से आग लगी थी। लेकिन इसमें लगभग 7-8 ऐसे देवी देवताएं जिनके टेंट्स को नुकसान हुआ है, कुछ पूरी तरह से टेंट्स नष्ट हुए हैं, कुछ में आंशिक नुकसान हुआ है, लेकिन सभी जो देवी देवता हैं उनके रथ जो हैं वो लोगों ने बाहर निकाल लिए थे और कुछ किसी भी तरह का जानी नुकसान जो है इस इंसिडेंट में नहीं हुआ है। एंड उसके अलावा जो है कुछ हमारी और भी शॉप्स थी, जूतों की मार्केट, और कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है कि प्लास्टिक के सामान की भी कुछ दुकान थी जिसको भी नुकसान हुआ है, तो उसका डिटेल असेसमेंट जो है वो अभी किया जा रहा है और जो डिटेल्ड असेसमेंट के हिसाब से जो जिनका नुकसान हुआ होगा उनको रिलीफ दिया जाएगा। बट फॉर्चुनेटली किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं है और आग पूरी तरह से कंट्रोल की जा चुकी है। जी, आग को बुझाते समय जो है 2 लोगों को आंशिक इंजरी हुई है, उसमें से एक जो है वो अभी हमें मिले भी थे, पूरी तरह से ठीक है। द अदर पर्सन इज हॉस्पिटलाइज बट ही इज ऑल्सो ओके। देखिए, अभी तो टेम्परेरली जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है वहाँ वो लोग शिफ्ट किए हैं, तो अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट उनके लिए व्यवस्था वहीं की जा रही है ताकि फिलहाल जो है उनको कोई दिक्कत ना आए। बाकी का असेसमेंट जो है वो सुबह प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। जो उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए असेसमेंट करने के बाद पता चलेगा कि कितना उनका नुकसान हुआ है, और प्रॉपर व्यवस्था भी जो है वो कादा संघ और बाकी लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन करके वो भी करी जाएगी। क्या कारण था? आगजनी के कारण का अभी पता नहीं चल पाया, पुलिस इसकी जांच कर रही है, डिफरेंट वर्जन्स हैं, बट आई एम श्योर पुलिस विल फाइंड आउट कि किस वजह से आग लगी। देवता पंचवीर के गुरु मोहन ने बताया कि रात में जब सब लोग टेंट में सो रहे थे तो अचानक 2 बजे आग लगने की घटना से मैदान में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही देवर्थों को टेंट से बाहर निकलकर बचा लिया गया। इस दौरान सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि देवता पंचवीर के ढोल नगाड़े इस आग में जल चुके हैं। फिलहाल सभी देवता ढालपुर मैदान में ही सुरक्षित रुके हुए हैं। देखो, देव लोग सब सोए हुए थे, कोई पता नहीं लगा, आवाज कुछ बाहर से कुछ ऐसी आवाज आ गई कि भाई आग लग गई, आग लगी, पानी बुझाओ, पानी लाओ, कुछ क्या करो, तो फिर परेशान हो गए सब देव लोग। तो फिर ऐसा हो गया, बाहर निकल गए, देवता को उठाए, प्रभु शेष मैं शेष नाग का गुरु, तो ये विष्णु हरिलोटोड़ा जी है, ये 5 वीर जी है, ये भी देवता है बाहर, 5 वीर है और जल देवता जी है, तो निकाल दे देवते बाहर। फिर लोग सारे इधर उधर हो गए तो निकल गए, सामान समून जो भी है देवता, कोई नुकसान तो है नहीं, कोई भी ना ऐसे भी कुछ नहीं अभी तक ना, बिस्तरे बुस्तरे जो वो भी वहीं पर टेंट में पड़े हुए हैं, टेंट का भी कोई नुकसान नहीं है, देवते का ठीक सेफ है, लोग भी सेफ बैठे हैं। तो बाकी देवते का जो सामान ढोल, इनके जो 5 वीर के ढोल नगाड़े, वो थोड़े जल गए क्योंकि टेंट खत्म है।
उसके बाद देवता को बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ इकट्ठे कर दिए, फिर यहाँ कोर्ट के सामने बैठे। बाकी कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं है, बाकी सब ठीक है ऐसा। वही विधायक सुरेंद्र शौरी का कहना है कि आगजनी की घटना में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने जिला परिषद से मांग रखी है कि आज की घटना के कर्म की जांच की जाए और मुआवजा भी प्रभावितों को दिया जाना चाहिए। बहुत ही दुखद घटना दशहरा में, यहाँ पर जो अस्थायी शिविर लगे हैं देवी देवताओं के, वहाँ पर आग लगी जिस कारण बहुत बड़ा नुकसान यहाँ देश समाज का हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हरियाणा ने जो 7 देवता के शिविर में सोए हुए थे उन्होंने देवव्रत तो बचा लिए, लेकिन वाद्य यंत्र और देवता का और सारा सामान यहाँ पर जल गया है। लगभग 15 देवी देवताओं का सामान यहाँ जला है और साथ में एक गाड़ी यहाँ जो पूरी तरह से जल गई है और साथ में कुछ मार्केट की दुकानें भी जल गई हैं। तो देवताओं को और स्थान पर यहाँ पर ले जाया गया है और अभी प्रशासन से हमारी मांग रहेगी स्थान को पूरी तरह खाली करके पुनः देवताओं को यहाँ पर शिविर को यहाँ पर देवता देवता द्वारा यहाँ लाए जाएं और उसके साथ आग जनी किस कारण से लगी है इसकी भी पूरी जांच की जाए। मतलब हाथ हूँ और देश समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और हम सभी हरियाणों को भी हिम्मत देते हैं कि हम आपके साथ भी हैं और लगातार यहाँ पर उनका जो भी आगे का काम होगा उसमें अपना सहयोग करेंगे।